हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बाबू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सभी बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन उनका जितना अच्छा नंबर आना चाहिए नहीं आ पाता है। तो इस वीडियो में बाबू हम आपको बिल्कुल शुरुआत से एक एक पॉइंट बताएंगे। एक एक पॉइंट पर अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा, उसको समझिएगा, तो आप लोगों का फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आ सकता है, ये हमारा गारंटी है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए। इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा उसका आपको क्या करना है, पालन करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं की तैयारी आपको कैसे करना है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10 के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं की तैयारी आपको कैसे करना है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस आप लोग नंबर कैसे ला सकते हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ने का जो सही तरीका होता है ये क्या होता है आपको बताया जाएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहले आपको राइटिंग बाबू सही करना होगा, क्योंकि राइटिंग अगर सही रहेगा तो आपको भर भर के नंबर मिलेगा। राइटिंग अगर आप लोगों का मतलब थोड़ा सा भी खराब है तो आपका नंबर कटने का चांस रहता है। आप लोग कितना भी अच्छा लिख लीजिए आपका नंबर कटेगा ही कटेगा अगर राइटिंग खराब है। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि अगर आपका राइटिंग बाबू खराब है तो अभी भी टाइम है, आप लोग राइटिंग सुधार लीजिए। राइटिंग अगर अच्छा होगा तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा नंबर आपको मिलेगा अगर आप लोग अच्छे से लिखेगा। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ बाबू, बिहार बोर्ड अगर आप लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है। यानी आपसे आधा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आधा आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यानी 100 नंबर का अगर एग्जाम हो रहा है तो इसमें 50 आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा, 50 आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा। तो मान लीजिए 50 अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सही सही बनाते हैं तो आपको पूरा 50 में से आपको एकदम 50 नंबर मिलेगा, एक भी आपका इसमें से नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर वही आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो राइटिंग हो सकेगी, अगर आपका राइटिंग खराब है तो राइटिंग का आपका क्या हो जाएगा, इसमें से नंबर का कट जाए, ये हो सकता है। कुछ नंबर आपका राइटिंग का कट जाए या कुछ मतलब नहीं भी कटे, तो ज्यादा चांस रहता है सब्जेक्टिव में आपका राइटिंग कटने का। तो आप लोगों को यहां पे क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव पे आपको मतलब फोकस करना है और सब्जेक्टिव पे भी फोकस करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एकदम आपको बढ़िया तरीके से आपको फोकस कर लेना है कि 50 में से 50 एकदम आपका सही हो जाए। और सब्जेक्टिव में भी वही फोकस रखना है आपका कि 50 का 50 सब्जेक्टिव हम लोग एकदम सही तरीके से लिखें और एकदम काफी अच्छा सुंदर राइटिंग में लिखें। जितना सुंदर में लिखिएगा आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद देखिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं ये आप लोग सबसे बढ़िया समझिए। तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बाबू, जो एनसीईआरटी बुक होता है उसी में से आता है। तो एनसीईआरटी बुक का जो बाबू क्वेश्चन है उसे आप लोग जरूर पढ़िए, सब्जेक्टिव उसमें का पढ़िए, ऑब्जेक्टिव उसमें का पढ़िए, एनसीईआरटी बुक में का, क्योंकि जो भी आता है बाबू परीक्षा में फाइनल बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी बुक से ही आता है। अब बच्चे यहां पे एक बात आपको और यहां पे याद रखना है। मान लीजिए आप यहां पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज याद किए, मान लीजिए आज आप लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए, कल तक याद है परसों उसे आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको आप लोग कैसे याद रखिएगा। याद रहेगा तभी तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप लोग उसे लिखिएगा या उसे भरिएगा। तो देखिए आपको कैसे आपको याद रखना है, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो देखिए आज आप लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए, एकदम बिल्कुल नया नया 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद किए। अब क्या करना है कि आज अगर मान लीजिए सुबह में आप लोग याद किए तो इसका एक बार आपको रिवीजन शाम में करना है, शाम में आपको एक बार क्या कर लेना है, इसका रिवीजन कर लेना है, ठीक है एक बार आपको देख लेना है। फिर आपको क्या करना है, कल छोड़ के परसों इसका एक बार और क्या करना है, आपको रिवीजन कर लेना है। दो तीन टाइम आप लोग याद करने के बाद दो तीन बार अगर आप लोग एक दो दिन के अंदर रिवीजन कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, 100% ऐसे आपका याद हो जाएगा और वो परीक्षा तक जीवन भर आपको याद रहता है। इसी तरीके आप लोग याद रखिए सब्जेक्टिव में भी। मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग 5 को समझ लिए हैं और उससे आप लोग याद कर लिए हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग यहां पे याद कर लिए तो उसको हमेशा के लिए कैसे याद रखिएगा, तो अब भी आप लोग याद कर लिए, ठीक है। तो कुछ देर बाद यानी 2-3 घंटा बाद आप लोग क्या कीजिए, कॉपी बंद है तो क्वेश्चन आप लोग सोचिए, मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने याद किया तो मन में ऐसे सोचिए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, किसका इसका कितना नियम होता है, पढ़िए आप लोग मन में ही उसका क्या कीजिए, एक बार आप लोग रिविजन कर लीजिए मन में,
में अगर एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा तो 100% याद हो जाएगा। आप लोग जहां सोते समय भी क्या कीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए जो याद है, और जहां पे फंसिए उसी टाइम क्या कीजिए, जहां पे बुक में यानी कॉपी में जहां पे लिखे हैं वहां से आप लोग क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर आप लोग क्या कीजिए, आंख बंद करके एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए मन में ही। तो आप लोगों का क्या होगा, ऐसे करिएगा 100% वो क्वेश्चन याद होंगे। जब क्वेश्चन आपको याद होंगे तभी आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा में लिख पाइएगा। दूसरा यहां पे बाबू ये आपको याद रखना है कि पढ़ते समय आपको यहां पे टाइम टेबल एक अच्छा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें रिवीजन क्लास आपको जोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई वाला तो होगा ही, साथ में आपको रिवीजन भी करना है, नहीं तो पढ़ते जाइएगा तो ये आदमी का ये होता है कि इधर से मतलब अगर हम पढ़ते जाएंगे तो ब्रेन हमारा इतना ही है, अगर इसमें हम मटेरियल मतलब याद करके इसको फुल कर लिए तो और एक्स्ट्रा जब हम याद करेंगे तो वह पीछे का निकल जाता है, यानी पीछे का हम लोग भूलते जाते हैं, आगे का जब हम याद करेंगे तो पीछे का ऑटोमेटिक हम भूलते जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जब रिवीजन करेंगे बाबू तो पीछे का भी हम लोगों का याद रहेगा और जो आगे हम याद कर रहे हैं वो भी आपको क्वेश्चन यहां पे याद रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल कैसा बनाना है बाबू, तो 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर में, 2 घंटा आपको शाम में, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी वाला है। और एक क्लास आपको रखना है केवल 45 मिनट का, 45 मिनट पढ़िए। मान लीजिए सुबह में आप लोग याद करने वाला, जितना याद करने वाला होगा सुबह में रखिएगा, 45 मिनट का एक वो सब्जेक्ट रखिए, मतलब एक सब्जेक्ट को क्या कीजिए पढ़िए, अगर याद करना है तो याद करना है, बनाना है तो बनाइए, लिखना है तो लिखिए, और 45 मिनट के बाद आपको क्या करना है, 15 मिनट उठ के टहल लेना है, घूम लेना है, फिर दूसरा क्लास के लिए आपको 15 मिनट बाद फिर बैठना है और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि एक ही को सब्जेक्ट हुआ का 2 घंटा पढ़ते हैं, बाबू एक वो सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़िएगा अच्छा नहीं होगा, आप पढ़िए 45 मिनट पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आपका क्या होता है 100-100 नंबर का होता है, लेकिन इसी में कुछ ईजी होता है, कुछ क्या होता है भारी सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ हो गया ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग ज्यादा फोकस कीजिएगा। लेकिन टाइम टेबल बोली आप लोग बोलिएगा कि सर आप ही टाइम टेबल बना दीजिए, बाबू हमारे टाइम टेबल बनाने से आपको कभी भी फायदा नहीं हो सकता है, हम नहीं जानते कि आप लोग कब फ्री रहते हैं, कब क्या रहते हैं। तो आप लोग देखिए कि आप लोग सुबह में कब फ्री है 2 घंटा, दोपहर में कब फ्री है 2 घंटा, शाम में आपको कब 2 घंटा टाइम मिलता है, उसी टाइम से आप लोग हिसाब से अपना क्या करिए टाइम टेबल बना लीजिए, उस पर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको लाते हैं क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको देखिए एनसीईआरटी का आपको बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से आता है। क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक से पता चलता है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो पूछा गया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन होता है वो मतलब 10-20% क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, और एनसीईआरटी का आपको बुक पढ़ना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको रिविजन कर लेना चाहिए सभी चीज का, ठीक है। और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए बाबू, तो पढ़ते समय आपको ऐसे जगह नहीं कि ये आप लोग गाना बजा देते हैं उसके बाद पढ़ते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। जो भी बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं तो बिल्कुल आपको एकदम शांति जगह पे पढ़ना है, अब ये नहीं कि बच्चे हल्ला कर रहे हैं वहीं पे जाके आप लोग पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा का पढ़ने में आपको 2-3 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग एकदम शांत जगह पढ़िए, जहां पे शोरगुल ना हो, ना वहां पे गाना बजाइए ना कुछ, मतलब एकदम शांति जगह पे आपको क्या करना है, बैठ के यहां पे पढ़ना चाहिए। और आप लोग अपना क्या कीजिए, राइटिंग सबसे पहले अपना सुधार लीजिए, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में अगर आपका राइटिंग सही होगा तो आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा में बाजी मार लीजिएगा काफी अच्छी तरीके से, आप लोग मतलब बहुत ही अच्छा तरीका से अपना क्या कर सकते हैं, नंबर ला सकते हैं। तो इसी चैनल पे बाबू पढ़ाई भी होता है काफी अच्छी तरीके से, अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87-89-30-73-04, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे WhatsApp ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको WhatsApp ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से, यहाँ पे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाती है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लास होता है, आप लोग कर सकते हैं, और जो जो पॉइंट बताए हैं बाबू बिल्कुल आप लोग वैसे पढ़िए, 100% आप लोग सफलता पा लीजिएगा। और कुछ बच्चे होते हैं एक बार में 2-3 सब्जेक्ट खोल के ऐसे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग वैसे भी मत पढ़िए, एक बार में एक ही सब्जेक्ट आपको क्या करना है पढ़ना है। अब्दू को यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री एक के साथ मत लगिए पढ़ने, नहीं तो ये भी नहीं समझ में आएगा, ये भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो जितना बताया गया है आप लोग करिए, बिल्कुल आप लोग फॉलो कीजिए, कैसे क्वेश्चन याद रखना है वो हम आपको बताएं, सीखिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।